दो मीटिंग लिंक थी ना, इस वजह से पता नहीं क्यों कंफ्यूजन। अब इसमें ज्वाइन करिए। हाँ सब लोग आ गए, तारकेश्वर सर आ गए, कनेक्ट हो रहे हैं, रश्मि मैम आ गई, आपका भी नहीं शो हो रहा। हाँ डॉक्टर महेश हेलो ठीक है ठीक है। अच्छा एक मिनट, अब ग्रुप पे डाल दे रहे हैं फिर से कि दोबारा से वही वाली कनेक्ट कर लें। ठीक 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 हाँ वो पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो गया। दो मिनट ऐसे रहने दो, वो गिर जाता है। शुरू हेलो करें क्या? हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आ रही है। हेलो 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 हेलो, शुरू करें? यस मैम शुरू करिए। शुरू करें, आवाज कितनी कम से। और लोगों का वेट तो नहीं करना है ना मैम? थोड़ा सा रुक जाइए, अभी कॉलेज के लोग दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, रुक जाइए। हाँ रुके, नीलू मैम आ गई है। नमस्ते, देखो मेरी पुकार है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मैम, दो मीटिंग का। सर्दी में आ रहे आके खाने का है, फोटो ना दिख रही है। अरे दिख रहा, देखना कैसा आ रहा है पीछे। हाँ मैडम नमस्ते। हेलो नमस्ते नमस्ते, आवाज आ रही है हम लोग की? हाँ मैम आ रही है। हाँ आवाज आ रही है मैडम, आवाज आ रही है। राठौर सर कहाँ है? वो नहीं, एक्चुअली मैं मेरे 3:30 से मीटिंग थी, वो मैं आईडी देख रही थी, उसमें मैं ठीक है, मैं 6:30 के बाद फिर या तो बात करूँ। नहीं मैडम शुरू किया जाए? हाँ शुरू करो। ज्योति कह रही है कि वेट कर रहे हैं हम कॉलेज वालों का। मैडम शुरू कर दीजिए, 40 मिनट ही मिलेगा। अच्छा फिर बाकी लोग बीच में जुड़ते रहेंगे। ठीक है शुरू कर रहे हैं। हाँ नमस्कार, राजकीय महाविद्यालय गोसाईखेड़ा के IQAC विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 छात्र छात्राओं के शिक्षण हेतु सकारात्मक वातावरण, इस विषय पर आयोजित सेमिनार में आप सभी का महाविद्यालय परिषद स्वागत करता है। अत्यंत हर्ष का विषय इस वेबिनार में माननीय श्री डॉक्टर तारकेश्वर गुप्ता जी, जो कि महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई के बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तथा श्री कृष्ण प्रसाद राठौर, जो कि हमारे ही महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय हैं, वे दोनों हमें इस विषय पर लाभान्वित करेंगे। आवाज डिस्टर्ब हो रही, हमारे मस्जिद विकसित होती चली गई, जैसे मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय। यहाँ पर हम विद्यालय या महाविद्यालय के विषय में एक चर्चा करेंगे। विद्यालय हमारे जैसी छवि हमारे मस्तिष्क में उभरती है, जैसे भवन, कमरे, बैठक व्यवस्था, छात्र छात्राएं,
कौशल विकास करते हैं, अतः हमसे एक ऐसे वातावरण की शिक्षण हेतु समुचित स्थान उपलब्ध हो, भौतिक सुविधाएं जैसे पीने का पानी, पुस्तकालय, कक्षा, शौचालय आदि, जो कि हमारे लिए हमारे जो हमें शिक्षा का अधिकार 2009 में भी प्राप्त हुआ था, उसमें भी इन सुविधाओं को माना गया है। इस संदर्भ में मैं अपनी प्राचार्य डॉक्टर दीप्ति खरे मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों के साथ इस वेबिनार का शुभारंभ करें। डॉक्टर दीप्ति खरे। धन्यवाद रश्मि। मेरी आवाज आ रही है क्योंकि आवाज का कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। आज के इस वेबिनार में जो IPSC टीम ने ऑर्गेनाइज किया है नई शिक्षा नीति पर, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। नई शिक्षा नीति बहुत सालों के इंतजार के बाद आई है और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे बिंदु हैं जो हम सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि कई बार अब ऐसा महसूस होने लगा था कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं या जो बच्चे हैं, तो एक तरह से ग्रेजुएट बच्चों का ढेर लगता जा रहा था, पर वो चीज निकल कर सामने नहीं आ पा रही थी। ना तो उनके लिए ऐसा हो पा रहा था कि उतनी हम नौकरियां दे पा रहे थे, और ना ही ऐसा हो रहा था कि हम उनको बहुत ज्यादा संभाल कर या कुछ मतलब व्यवसाय या कुछ चीजों के लिए हम उनको सही दिशाएं नहीं दे पा रहे थे। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इससे हम सब बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत नीति हम सबके लिए बहुत कारगर थी। और चूंकि निदेशालय से भी इस आशय का हमारे पास भी एक वो है, आदेश कह लीजिए कि हमें एक आदेश है। इस आदेश के पीछे सिर्फ कारण इतना है कि जब कई मंचों पर विद्वान लोग इस संदर्भ में अपना मंथन करेंगे, तो हमारे पास में जैसे एक वर्ड होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो जब सब विद्वान लोग अपने अपने जगहों पर बैठ करके इस पर मंथन करेंगे, अपने अपने ढंग से इसको पढ़ेंगे, अपने अपने ढंग से इसका प्रस्तुतीकरण करेंगे या अपनी समझ से इसमें क्या है अच्छाई और क्या बुराई, इस पर जब विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ नई चीजें निकल कर सामने आएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो हम उसको अपने ढंग से समझते हैं, कोई और उसको पढ़ता है तो उसको फिर वो अपने ढंग से समझता है। तो इसलिए 2, 3, 4 और नंबर ऑफ लोगों के या विद्वानों का जो विचार जब आपस में मिलेगा, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीज निकल कर के सामने आएंगी। यही मुझे लगता है कि ये वेबिनार आयोजन कराने का पर्पस है, कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर के किसी चीज के विषय में हम पढ़ें, समझें और उसे गुनें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वेबिनार बहुत ही सफल रहेगा, और मैं आगे के इस कार्यक्रम को चलाने के लिए डॉक्टर पूनम को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे वक्ता को बुलाएं, उनका परिचय दें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम। मुझे यह बताते हुए अत्यंत ही हर्ष हो रहा है कि राजकीय महाविद्यालय गोसाई खेड़ा उन्नाव द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया है। आज के वेबिनार का विषय जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, नई शिक्षा नीति 2020 छात्र छात्राओं के शिक्षण हेतु सकारात्मक वातावरण। इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए हमारे बीच वक्ता के रूप में डॉक्टर तारकेश्वर गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर BEd विभाग महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई से आज हमारे बीच जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तारकेश्वर गुप्ता जी ने MA पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से, BEd MEd महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, इन्होंने PhD है BHU वाराणसी से किया है। डॉक्टर तारकेश्वर गुप्ता जी सन 2011 से 2014 तक हेमवंती नंद बहुगुड़ा राजकीय PG कॉलेज खटीमा उत्तराखंड में कार्यरत रहे, और 2014 से महाराणा प्रताप राजकीय PG कॉलेज हरदोई में कार्यरत है। इनके विभिन्न जर्नल में 19 पेपर पब्लिश हो चुके हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि इनके ज्ञान और अनुभव का लाभ हमारे प्रतिभागियों को मिलेगा।
मैं डॉक्टर तारकेश्वर गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि नई शिक्षा नीति 2020 छात्र छात्राओं के शिक्षण हेतु सकारात्मक वातावरण पर अपने विचार को प्रस्तुत करने का कोशिश करें। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तारकेश्वर सर हेलो सर, हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? सर म्यूट है। आपकी आवाज जा रही है, हमारी आवाज नहीं जा रही है। जी सर, आवाज जा रही है। हाँ सर आवाज आ रही है। थैंक यू मैडम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, प्राचार्य महोदया को विशेष रूप से, और आप सभी जितने उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं, महाविद्यालय परिवार के जितने लोग हैं, और खासतौर से डॉक्टर पूनम चौहान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आभार कि आपने अवसर उपलब्ध कराया मुझे बोलने का। मैं अपनी बात शुरू करूँ, जैसे आज आप इस वेबिनार का टॉपिक है छात्र छात्राओं के शिक्षण हेतु सकारात्मक वातावरण, तो कुछ बातें हैं जो प्रारंभ में मैं कह देना चाहता हूँ कि शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी का जो विचार है, गांधी है कि शिक्षा से मेरा आशय बालक तथा मनुष्य में निहित शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। तो यह जो 3H हेड हार्ट एंड हैंड बात जो गांधी कहते हैं, निश्चित और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय समय पर शिक्षा नीतियां आती रही हैं। 1964 में डॉक्टर डी एस कोठारी के नेतृत्व में, उनके सभापतित्व में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, और उस समय डॉक्टर कोठारी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, एक अच्छी उनकी बात को मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। तो जब भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, तो कक्षाओं में शिक्षण का सकारात्मक वातावरण कैसे बने, इसी पर हमें विचार करना है, इसी पर हमको अपनी बात रखनी है। तो मैं कुछ बातों को बहुत ज्यादा नहीं, 40 मिनट के समय में जो जितना मैं बता सकता हूँ, जितना कह सकता हूँ, जितना आप लोगों का सहयोग होगा। पहली बात इसमें ये होगी कि सकारात्मक वातावरण से हमारा आशय क्या है, क्या हम सकारात्मक वातावरण को किस रूप में देखते हैं, क्या सोचते हैं। दूसरी बात हम इस पर करेंगे कि सकारात्मक वातावरण बनाने हेतु क्या हमें करना चाहिए, आवश्यक कार्य क्या है, किन किन हम अपने शिक्षण में शामिल जिससे हमारे कक्षा की स्थितियों का वातावरण सकारात्मक हो, अधिगम अधिक से अधिक हो, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक अधिगम। और तीसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि सकारात्मक वातावरण बनाने में अध्यापक की क्या भूमिका है, क्योंकि रोल तो अध्यापक को ही निभाना होता है अपने विद्यार्थियों के लिए। तो ये जो तीन बिंदु है, हम तीन बिंदुओं पर बात करना चाहेंगे, और अध्यापक की भूमिका के आगे थोड़ी सी बात हम ये कहना चाहेंगे कि यह जो नीति बड़ी लंबी, जैसा कि मैडम कह रहे थे कि बड़े लंबे अरसे के बाद यह नीति आई है, तो लगभग 34 साल लग गए हैं एक दूसरी नीति को आने में, 34 साल लग गए हैं, और ये 34 साल बड़ा लंबा समय होता है, इतने में तो कई नीतियों को आ जाना चाहिए, क्योंकि दो पीढ़ियां तो कम से कम निकल गई। लेकिन बहरहाल जो भी आई, जैसे भी आई, इस देश को उसको स्वीकार करना चाहिए, और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर सारे विद्वानों के मतों को सबमिट करके एक मत ऐसा लिख करके चलना होगा जिससे इस भारत का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसमें हम इस पूरी नीति पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे, इसमें चार भाग, इस पूरी नीति में चार भाग और 27 अध्याय इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी का जो फॉर्मेट है उसमें यह इंक्लूड है। और जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, समझा है, तो एक चीज मैंने देखी है कि इसमें मानव निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसके सारे बिंदुओं को
रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। मानव निर्माण मैन मेकिंग जो सिस्टम है, जो एजुकेशन है, उसको इसमें रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात इसमें कहेंगे समता मूलक और समावेशी शिक्षा। समता मूलक क्योंकि आजादी के बाद हम देखते हैं कि हमारा समाज धीरे 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 समता मूलक समाज की तरफ बढ़ता है। तो जो समता मूलक समाज की तरफ बढ़ने का जो संप्रदाय है, जो कंसेप्ट है, वो हमारे संविधान में समता समता की बात कही गई है और उसी को लेकर के जब हम शिक्षा में अप्लाई करते हैं तो वो समाज पर रिफ्लेक्ट करता है और धीरे धीरे समाज जो है हमारा समता मूलक समाज की तरफ बढ़ रहा है। शिक्षा का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए समता मूलक शिक्षा की भी बात की गई है और समावेशी शिक्षा की भी बात की गई है। दूसरी बात इसमें कोट की जा रही है कि गुणवत्ता पूर्ण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो संस्थान है यदि वो गुणवत्ता पूर्ण नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों में गुणवत्ता का अभाव दिखेगा। अब इस तरह से गुणवत्ता आए, मुझे याद है सन 2000 में मुंगेरकर समिति को यह दिया गया था विषय कि आप यह देखें कि देश में कुछ शिक्षा में गुणवत्ता का स्तर क्यों कम है। तो वह जो उस समिति थी उसने दिया था कि गुणवत्ता इसलिए गिर रही है कि जो हमारे टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो वेल एजुकेटेड, यानी कि जो एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं, एजुकेशन का मतलब कि उनके अंदर जो नॉलेज है तो वो दूसरी चीजें लाई गई। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक और बात कही गई कि समग्र और बहुविषय शिक्षा। अब समग्र शिक्षा की बात इसलिए की जा रही है, यह कंसेप्ट नया लाया जा रहा है शिक्षा नीति के माध्यम से कि सारे विद्यार्थी चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो या साहित्य स्ट्रीम के हो, आर्ट ग्रुप के हो, उस पर एक दूसरे के विषयों को जानने समझे ताकि जीवन में दोनों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है तो दोनों को समझे। ऐसा ना हो कि जीवन में एक पक्ष को जान करके दूसरा पक्ष जो है हमारा अधूरा रह जा रहा है। हम अपनी बात पर आते हैं कि सकारात्मक वातावरण हम किसे कहना चाहेंगे। जो हमने समझा है तो सकारात्मक वातावरण का आशय संस्थान में शिक्षण अधिगम के समय विद्यार्थियों में कुछ सीखने एवं करने की जिज्ञासा स्वतः उत्पन्न हो सके। यदि हम सकारात्मक वातावरण की बात करें तो सकारात्मक वातावरण का मतलब ही होता है कि वहां विद्यार्थी स्वतः सीखने जाता है, स्वतः उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि हम ये सीखे। यदि उसे जबरदस्ती सिखाया जाता है तो शायद उस सकारात्मक वातावरण का रूप नहीं हो सकता। तो स्वतः सीखे, यदि ऐसा वातावरण हम बना पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे उसका जो संस्थान है, जो हमारा कक्षा कक्ष है, दोनों परिस्थितियां सकारात्मकता के माध्यम से अधिक से अधिक अधिगम कर सकते। दूसरी बात कि विद्यार्थी, यहाँ हम प्रोफेसर डीएस कोठारी की एक बात और नोट करना चाहेंगे कि उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी वह नहीं सीखता जो अध्यापक पढ़ाता है, विद्यार्थी वह सीखता है जो अध्यापक करता है। तो हम सिद्धांत की बात करते हैं कक्षाओं में, और सिद्धांत यदि वो बाहर हमारे चरित्र में, हमारे कार्य में यदि दिखता नहीं है तो विद्यार्थी अधिक से अधिक सीख नहीं पाता, क्योंकि वो सिद्धांतों के माध्यम से ज्यादा नहीं सीखता है, वह अध्यापक को अपना रोल मॉडल मानता है और मान करके सीखता है। तो यदि उससे वह चीज दिखती है अध्यापक में, उस संस्थान में, तो स्वभावतः उसके अंदर शिक्षा के प्रति रुचि जागृत होती है और वो अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। अब हम क्या हमें करना चाहिए, अधिकम अधिक से अधिक हो, हमारा वातावरण सकारात्मक हो, तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक करना क्या चाहिए। तो कुछ बिंदु हमने आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जैसे हम कक्षा कक्ष की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं इस समय, कक्षा में विद्यार्थी हो और अध्यापक हो तो हमें करना चाहिए। तो पहली चीज कि हमें तो अपनी कक्षा को लोकतांत्रिक बनाना चाहिए, डेमोक्रेटिक वे में ही हम अधिक से अधिक अधिगम करा सकते हैं। अधिक से अधिक सकारात्मक वातावरण तभी बनेगा जब हमारी कक्षा लोकतांत्रात्मक
रूप में चले। अब लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या, लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि हम अपने विद्यार्थियों को उनके विचारों को रखने का अवसर दें, हम अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को समय दें, उनसे उनकी जिज्ञासाओं को जानने का प्रयास करें, और जब उनकी जिज्ञासाएं निकल करके आती हैं और हम अपने हिसाब से जब उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनकी जिज्ञासा शांत करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी कक्षा सकारात्मकता की तरफ है। यदि डेमोक्रेटिक वे में नहीं है, ऑटोक्रेटिक वे में है, तो निश्चित रूप से वह कक्षा हमारी सकारात्मक नहीं होगी। और मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि वहां अधिगम भी अधिक नहीं होगा। दूसरी बात कि हमें अपने विषय वस्तु को सारगर्भित बनाना पड़ता है। हम सभी शिक्षक हैं, जानते हैं, तो उसमें बहुत कहने की बात नहीं है, लेकिन जब हम अपना कंटेंट प्रस्तुत करते हैं तो हम खुद अनुभव करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंटेंट हम लेकर के गए और उसको सुनाया विद्यार्थियों को, चल गया, तो उस दिन की जो हमारी शिक्षण स्थिति होती है वो बहुत प्रभावी नहीं होती। और उस समय यह भी देखने में आता है कि विद्यार्थी हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो वो तभी होगा जब हम अपने कंटेंट को सारगर्भित बनाएंगे। तीसरी बात की व्यूह रचनाओं की बात करनी है। जैसे शिक्षण की जो व्यूह रचना है, कुछ व्यूह रचनाएं होती हैं जिनका हम आगे चर्चा करेंगे, तो व्यूह रचनाएं हमें करनी पड़ती है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दें कि हम सभी लोग महाभारत से परिचित हैं, और उस महाभारत के युद्ध में एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि द्रोणाचार्य को पांडवों पर जीत के लिए व्यूह की रचना करनी पड़ती है, जो चक्रव्यूह के नाम से जाना गया। तो यह जो चक्रव्यूह की जो रचना है, निश्चित रूप से उस दिन विपक्षियों को बड़ा परेशान किया था। एक शिक्षक को भी अपने विद्यार्थियों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, एक व्यूह बनाना पड़ता है। जिस कंटेंट को हम लेकर के जा रहे हैं, उस कंटेंट के लिए हमें अलग से एक स्ट्रेटजी बनाकर चलनी ही पड़ती है। यदि हमें कक्षा को सकारात्मक रखना है तो यदि उस व्यूह को हम बनाते हैं और व्यूह के माध्यम से जब हम अपने कंटेंट को प्रस्तुत करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं तो हमारी कक्षा बिल्कुल स्वाभाविक से सकारात्मक हो जाती है। अगली बात हम कहना चाहिए, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग हमें करना चाहिए। क्योंकि हम हायर एजुकेशन में हैं, तो हायर एजुकेशन में जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वह है लेक्चर मेथड। हम सभी जाते हैं तो लेक्चर मेथड का ही प्रयोग करते हैं अधिकांशतः, कुछ अपवाद हो सकते हैं। लेक्चर मेथड लेकर हम अपना कंटेंट गए, पोडियम के साथ खड़े हुए या चेयर पर बैठ गए, जो हमारी बातें थी हमने बोल दी, विद्यार्थी ने कितना उसको सुना, कितना समझा, इसका हमें कोई ध्यान नहीं है, हमने अपनी बात रख दी। तो ये जो मेथड है यह बहुत प्रभावी नहीं हो सकती। हायर एजुकेशन में प्रभावी है, लेकिन यदि उसके साथ कुछ और हम जोड़ करके चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, तो ये जो विधियां हैं उसके साथ यदि हम जोड़ करके अपने कंटेंट को लेकर के चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो कंटेंट है वो प्रभावी होगा, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा होगा और हमारी जो कक्षा का सकारात्मकता बनी रहेगी। उचित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, क्योंकि स्कूल लेवल पर शिक्षण सहायक सामग्री बड़ी इफेक्टिव होती है। अब हायर लेवल की बात है हमारी तो बात हायर लेवल की है, तो जो तकनीक की बात कही गई है शिक्षा नीति में, टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया गया है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, मशीन लर्निंग की बात की जा रही है, तो यदि इन उपकरणों के माध्यम से हम अपनी शिक्षण शैली के साथ उसको जोड़ लें, तो संभवतः हमारी कक्षा का वातावरण बड़ा सकारात्मक होगा और अधिगम भी अधिक से अधिक होगा। यह तो कक्षा कक्ष की बात हुई, थोड़ा सा उसे बाहर निकलते हैं, क्योंकि शिक्षण जो है केवल कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं होता है। कक्षा का मतलब, शिक्षण का मतलब कक्षा से बाहर शिक्षणेतर गतिविधियों की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। शिक्षण गतिविधियों में विद्यार्थियों को प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, क्योंकि जब विद्यार्थी शिक्षण गतिविधियों में प्रतिभाग करता है तो उसका जो गांधी का जो सर्वांगीण विकास है वो निकल करके आता है। क्योंकि यदि हम कक्षा में सैद्धांतिक बात पर
बात करते हैं वहाँ विद्यार्थी सिद्धांत पर अमल करता है, लेकिन जब वो फील्ड में जाता है जैसे खेल कूद के लिए हम विद्यार्थी को लेकर के जाते हैं तो वहाँ एक चीज बड़ी अच्छी दिखती है, हम लोग गौर भी करते हैं, लीडरशिप वहाँ देखने को मिलता है, विद्यार्थियों में जो नेतृत्व की क्षमता है वो वहाँ दिखाई देती है। फील्ड में विद्यार्थी खेलने जाता है तो किस कौन विद्यार्थी किस रूप में नेतृत्व करता दिखता है वही उसकी पहचान हो सकती है, वो कक्षाओं में पहचान नहीं हो सकती है। तो हेल्दी जो इन्वायरमेंट है वह शिक्षकता की तरफ भी ज्यादा सकारात्मकता की तरफ बढ़ती है। फिर जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हम सभी कराते हैं, देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी सामने नहीं आते हैं लेकिन जब वो आते हैं तो बड़ा अनोखा करके जाते हैं। अनोखा करके कैसे चले जाते हैं, प्रतिभा तो उनके अंदर है लेकिन वो जो सकारात्मकता वो जो वातावरण है इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाता है। यदि वो हेल्दी इन्वायरमेंट उनको मिला तो वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। कल्चरल प्रोग्राम आप देख लीजिए, कल्चरल प्रोग्राम हर जगह होता है, कल्चरल प्रोग्राम में जो प्रतिभागी प्रतिभाग करता है तो उसकी प्रतिभा वहां दिखती है। अब हम अध्यापकों का यह दायित्व होता है कि उन प्रतिभागियों को हम सामने लाएं। हम स्टेटी की बात कर रहे थे आपसे, कुछ स्टेटी का नाम मैंने कहा चर्चा करेंगे आगे देखते हैं। सामूहिक परिचर्चा ब्यूरो, ये जो ग्रुप डिस्कशन अब नया कंसेप्ट चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन विद्यार्थियों को ग्रुप में बांट करके हम डिस्कशन करवा रहे हैं तो उसका जो लाभ होता है कि कई विद्यार्थियों की जो सोच है समझ है एक विद्यार्थी की सोच समझ के विद्यार्थियों तक पहुंचती है और एक अच्छा उसमें रिजल्ट निकल करके आता है। क्वेश्चनिंग की बात करते हैं, प्रश्नोत्तर व्यूह रचना हम करते हैं तो प्रश्नोत्तर व्यूह रचना जो है विद्यार्थियों में ये तो बहुत पुरानी सुकरात के समय से चली आ रही ये विधि है, उसके माध्यम से हम शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। दो तीन बातें इस शिक्षा नीति में बड़ा सामने निकल करके आई है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जा रही है, थिंकिंग की बात की जा रही है, क्रिएटिविटी की बात की जा रही है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है एक व्यू है, एक स्ट्रेटजी है, विद्यार्थियों के सामने प्रॉब्लम रखी जाती है, उनसे समस्या के समाधान के लिए बात की जाती है। तो जब विद्यार्थी को इस तरह का एनवायरमेंट मिलता है तो निश्चित रूप से वह अपने अधिक से अधिक प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। प्रोजेक्ट मेथड भी प्रभावी और प्रोजेक्ट भी स्ट्रेटजी भी है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हम विद्यार्थी ज्यादा से करा सकते हैं और अपने एनवायरमेंट को भी हेल्दी बना सकते हैं। रोल प्ले की बात आती है, रोल प्ले भी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि अभी एक शब्द आया था ब्रेन स्टार्मिंग, यह भी एक स्ट्रेटजी, ब्रेन स्टार्मिंग मानसिक उद्वेलन व्यू। ये जो ब्रेन स्टार्मिंग है ये है क्या कि जब हम कक्षा में कुछ ऐसी बात हम ऐसी समस्या विद्यार्थियों के समक्ष रख देते हैं जिसको कल्पना भी नहीं कर पाते, और जब वो उनके सामने इस तरह की बात जाती है तो वो उनके अंदर थोड़ा सा आक्रोश भी होता है और उस पर सोचने के लिए उनको मजबूर भी होना पड़ता है कि अचानक आई हुई इस समस्या से कैसे निपटे, और उनका जो दिमाग है बिल्कुल तूफानी अवस्था में चला जाता है, स्टेज में चला जाता है। तो फिर वहां से निकल करके नई नई चीजें वही विद्यार्थी हमारे सामने रखते हैं। तो ये जो व्यूह रचनाएं थी इन रचनाओं का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। अब अध्यापक की भूमिका क्या है, जो हम तीसरी बात करने जा रहे थे, तो अध्यापक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इधर जो जब से साइकोलॉजी का प्रभाव बढ़ा है तब से साइकोलॉजी ने यही है कि जो एजुकेशन का सेंटर है वहां चाइल्ड है, स्टूडेंट है, लेकिन देखना है कि शिक्षा के केंद्र में हमेशा अध्यापक ही रहा है। इसलिए जब शिक्षा के केंद्र में अध्यापक को हम रखते हैं तो निश्चित रूप से उसका महत्व बढ़ जाता है और सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है कि वो अपने विद्यार्थी को किस रूप में
आगे बढ़ा ले, किस रूप में उसको समाज समायोजन करने लायक बना। तो हम कक्षा कक्ष की बात कर रहे हैं तो अध्यापक की भूमिका तो महत्वपूर्ण है कि पहले कक्षा का प्रबंधन क्लास मैनेजमेंट वो जाने, क्योंकि क्लास मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसकी शिक्षण को प्रभावी बनाने में और वातावरण को सकारात्मक बनाने में। तो कक्षा प्रबंधन को किस तरह से करें, कक्षा के सारे विद्यार्थियों को जोड़ना ही तो शिक्षक की खूबी है, वो सारे विद्यार्थियों को जोड़ ले, किन विधियों से जुड़े, स्ट्रेटजी अपना उनके साथ ये अपना कंसेप्ट क्लियर रखे, उसका जो वक्तव्य है वो सही तरीके से सामने आवे, तो कक्षा प्रबंधन वो कर सकता है अच्छे से, शिक्षण और शिक्षण कार्य के लिए वो भी प्रेरित कर सकता है, उसकी भूमिका है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी अध्यापक हैं, तो यह देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को हम शिक्षण के लिए तो प्रेरित करते हैं, शिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित नहीं करते, छोड़ देते, चलो जिसको जाना होगा जाएगा। लेकिन यदि वही हम शिक्षणेतर कार्य के लिए भी अभी प्रेरित करते हैं विद्यार्थी को, तो संभवतः उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है और जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये सारे डेवलपमेंट उसको सोशल डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं और वह समाज का एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो हमारा दायित्व भी है कि विद्यार्थी को एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा नागरिक भी बनावे। शिक्षणेतर गतिविधियों का बड़ी भूमिका है, इसलिए उसको शिक्षणेतर कार्य के लिए भी अभी प्रेरित करना होगा, सृजनात्मकता और चिंतन के लिए भी प्रेरित करना। क्रिएटिविटी की बात की जा रही है और क्रिएशन, क्योंकि शिक्षा को सृजनशील होना ही चाहिए, विद्वानों का मत है कि शिक्षा को सृजनशील होना चाहिए, तो सृजनशीलता आएगी कैसे, यदि क्रिएटिविटी की बात हम करें तो कैसे आएगी। यह हम अध्यापकों का दायित्व है कि अपनी कक्षाओं में, अपने संस्थान में, इवन की जो संस्थान है उस संस्थान में भी क्रिएटिविटी की बात करें, उसके तमाम एस्पेक्ट हैं, तमाम पक्ष हैं जिन पर हम विद्यार्थियों को क्रिएशन की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं, उनको उधर ले जा सकते हैं, उनको सोशल जो लैब है सोसाइटी में ले जा सकते हैं, वहाँ उनको दिखा सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए ले जा सकते हैं, अपने महाविद्यालय के प्रांगण में ले जा सकते हैं, जहाँ उनको इन्वायरमेंट से जानकारी हम दे क्या है, वह जो सोशल एक्टिविटीज है उसमें हम उनको प्रतिभाग करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखना, जो समायोजन की स्थिति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे विद्यार्थी, सारे जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे नागरिकों की बात करें हम, पूरे ग्लोबल लेवल पर, अपने जो नेशनल लेवल पर हम बात करें, तो आज की परिस्थितियों में और वर्तमान पैंडेमिक में तो और भी समायोजन की स्थिति है, हम पैंडेमिक पीरियड में बात कर रहे हैं, तो समायोजन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समायोजन के अभाव में हम अच्छे अच्छे लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने क्रियाकलाप से दूर हो जाते हैं। तो जो परिस्थितियां हैं, जैसे आज की परिस्थिति है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, हम सभी लोग वर्क फ्रॉम होम के तहत ये सारे काम कर रहे हैं, एक दूसरे से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक तरह से समायोजन है, हम अपनी गतिविधियों को रोक नहीं रहे हैं, गतिविधियों में कंटिन्यूटी लिए हुए हैं, और शिक्षण और शिक्षणेतर गतिविधियां शिक्षणेतर तो नहीं चल पा रही है, लेकिन शिक्षण के काम जो है वो चल रहा है, ऑनलाइन माध्यम से चल रहा है। तो चूंकि मशीन लर्निंग की जो बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी की जो बात की जा रही है, हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, हम उसी के माध्यम से चल रहे हैं, तो ये हमारा जो मेंटल एडजस्टमेंट है ये इसके लिए बहुत जरूरी है। और यही चीज यदि हम अपनी कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों के साथ इसको आगे बढ़ा दें, तो निश्चित रूप से हमारी विद्यार्थी भी जब इस तरह की परिस्थितियों में आएंगे तो संभवतः वो भी अपने आप को समायोजित कर लेंगे। अब कुछ अन्य विचारों पर भी बात कर ले, जैसे हम अध्यापक हैं तो कुछ अन्य विचार भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये कक्षा कक्षा और कक्षेतर स्थितियां थी, कुछ और भी बात करें तो हमें अपने विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं और हम कुछ
अच्छे व्यवहार भी करते हैं, कभी कभी मिसबिहेव भी करते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि विद्यार्थी हमारा अपना विद्यार्थी है और हम जानते हैं, ऐसा जानते हैं कि जो विद्यार्थी होता है वो अध्यापक का मानस पुत्र होती है, तो हमें उनके साथ उस तरह का व्यवहार रखना चाहिए वो सकारात्मकता बनाने के लिए। भले ही हम उसको नहीं बहुत महत्व देते हो, लेकिन जब हमारा विद्यार्थी कोई प्रॉब्लम लेकर के आता है तो हमें उसके साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि हमारे उसके संबंधों में प्रगाढ़ता रहे और हर समय सकारात्मकता का ही वातावरण दिखे। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए, हम कह क्या रहे हैं विद्यार्थी के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारी बातों से विद्यार्थी दुविधा में न रहे, वो क्लियर समझे हम जो कहना चाहते हैं वो सुन जाए। हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया ही देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो विद्यार्थी है, वो हमारे पास आ रहा है अपनी समस्या लेकर, वो कष्ट में है, दुखी है, तभी वो हमारे पास आ रहा है। यदि वो सॉल्व कर सकता है तो हमारे पास नहीं आता, डेफिनेटली नहीं आता। तो यदि वो हमारे पास किसी समस्या को लेकर के आ रहा है तो हमें उसके पक्ष में हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया ही देने की बात करनी चाहिए। विचार में भी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो अपने विचार लेकर के आते हैं, तो जो विचार लेकर के आते हैं उन विचारों के साथ हमें सकारात्मकता का विषय रखना चाहिए। वो विचार भले ही उसका निगेटिव हो, लेकिन हम अपनी बुद्धि विवेक से उसके विचार में सकारात्मकता लाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि हेल्दी एनवायरमेंट बनाना है तो मैं हेल्दी एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ, उसके व्यवहार की बात। बहुत सारे विद्यार्थी रूड बिहेव भी करते हैं। हाँ जी, एक मिनट सर, मैं इंटरप्ट करना चाहूँ। मैं सभी को ये सूचना देना चाहूंगी कि जब ये मीटिंग एंड हो जाए तो कृपया दूसरी जो मीटिंग का जो दूसरा लिंक है उससे सभी लोग ज्वाइन कर ले, क्योंकि अभी 3 मिनट शेष है इस मीटिंग में। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, मैं हम बात व्यवहार की कर रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं। जब विद्यार्थी हमारे पास आया है तो निश्चित रूप से हमसे लेकर के आया है, हमारा उसका शिक्षण शिक्षणेत्तर में हमारे अनुभव का बहुत बड़ा रोल है। हम अपने अनुभव से उसके उसका ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कुछ व्यवहार पर सकारात्मक रिइंफोर्स करना, यह एक साइकोलॉजिकल थियरी है रिइंफोर्समेंट की। तो देखा गया है प्रायः हम लोग अपने विद्यार्थी देखते हैं कि रिइंफोर्स करते हैं विद्यार्थी में अध्ययन की क्षमता बढ़ जाती है, उसके कार्य करने की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि हो जाती है। तो रिइंफोर्समेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए और उनको काम करने के लिए मोटिवेशन देने के लिए इम्पोर्टेंट पक्ष है। अब हम जो 2020 की शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो उसमें डिसीजन मेकिंग की बात की जा रही है, विद्यार्थियों को किस रूप में तैयार करना है। तो विद्यार्थियों को इस रूप में तैयार करना है कि वो खुद डिसीजन मेकिंग की स्थिति में आए, वह निर्णय लेने की, वह कक्षा की परिस्थितियों में होती है, कक्षा से बाहर होती है, इवन कि वह विद्यार्थी अपने परिवार में भी निर्णय लेने की स्थिति में होता है। तो कभी कभी स्थिति उसकी आती है कि वह उस स्थिति में नहीं होता है तो आपके पास आता है, हमारे पास आता है। ये वही समय है कि उस समय उस विद्यार्थी की मदद करके उसको उसके पॉइंट पर ले जा करके हमें बता सके कि नहीं, इस तरह से तुम अपनी समस्या का समाधान कर सकते। एनवायरमेंट का एक पक्ष थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने की बात की जा रही है, चिंतन शक्ति को विकास करने की बात की जा रही है। तो यह कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में होती है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो स्ट्रेटजी है उसके माध्यम से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी से रिलेटेड चीज है, मेघों का प्रबंधन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इमोशनल एडजस्टमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, संवेग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े दबाव में ला देते हैं, तो हम अध्यापक फिलासफी का भी ज्ञाता होता है, साइकोलॉजी का भी ज्ञाता होता है, सोशियोलॉजी का भी ज्ञाता होता है, क्योंकि भले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो ये तीनों विषय, लेकिन इन तीनों विषयों का अध्ययन उसके पास होता ही है। तो वो अपनी मैनेजमेंट इमोशंस को कैसे वो मैनेजमेंट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो समय का प्रबंधन करना आना चाहिए अध्यापक और विद्यार्थी दोनों,
अब मैं अंतिम बात अपनी करना चाहूंगा।